जनपद में पटरी व्यापारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा के नेतृत्व में अपर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा ने बताया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार पटरी व्यवसायियों को उजाड़ा जा रहा है, जिसके संबंध में अपर आयुक्त को ज्ञापन दिया गया है और अपर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित किया जाएगा। हमने अपराजिता से मांग किया है कि नगर निगम के द्वारा जो पटरी व्यवसाय के लिए 436 दुकानें बनी हैं वो पटरी व्यवसायियों को दिया जाए, जिससे कि वह दुकान लगा सकें। हमने अपराजिता सर को बताया है कि GDA ने जो 106 दुकानें बनाई हैं वो पटरी व्यवसायियों को नहीं दिया गया है, वो दुकानें बाहरी लोगों को दिया गया है, उसको GDA के द्वारा निरस्त किया जाए। वहाँ पर जो 50% पटरी व्यवसायी गरीब हैं उनको दिया जाए और जो नगर निगम के रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायी हैं उसमें से 50% दुकान उनको दिया जाए। अपर आयुक्त ने सभी पटरी व्यवसायियों को आश्वस्त किया है कि उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, सभी अधिकारियों के साथ बैठक करके इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पटरी व्यवसायी अंकित मौर्य, रंजीत सोनकर, धर्मेंद्र सोनकर, राजा सोनकर, सोनू सोनकर, गोलू कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा ने कहा, नगर निगम पुलिस प्रशासन द्वारा निरंतर पटरी व्यवसायियों को उजाड़ा जा रहा था। आज उस संदर्भ में हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिए हैं और कमिश्नर साहब ने आश्वस्त किया है कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित किया जाएगा। हमने कहा है कि नगर निगम के जो 436 दुकानें बनी हैं, जहां नगर निगम अभी तक व्यवस्थित नहीं किया, वहां पटरी व्यवसायी जो दुकान लगाना चाहते हैं उनको व्यवस्थित किया जाए। हमने बताया है कि GDA ने जो 106 दुकानें बनाई हैं, जो पटरी व्यवसायियों को देना था वो पटरी व्यवसायियों को नहीं दिया गया। गरीब पटरी व्यवसायियों को ना देकर जो बाहरी लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, जो अपने रसूख के बल पर में वो 106 दुकानें आवंटन GDA कर दी गई, वो निरस्त किया जाए और वहाँ पे जो पटरी व्यवसायी 50% गरीब हैं उनको दिया जाए और नगर निगम के जो रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायी गरीब हैं, जो स्वनिधि प्रधानमंत्री योजना में लोन लिए हुए गरीब पटरी व्यवसायी हैं उनको दिया जाए। कमिश्नर साहब से हम लोगों की एक सार्थक वार्ता हुई है, उन्होंने कहा है कि पटरी व्यवसायियों को लाठी डंडा से नहीं मारा जाएगा, यह कहीं ना कहीं से सरासर गलत है। अगर प्रशासन ऐसी कर रही है तो उस पर जो है पुलिस प्रशासन से बात करके उन लोगों को वो कहा जाएगा। और हमारी मांग है, लास्ट में मैंने कमिश्नर साहब से भी कहा कि हमारा मांग है कि हमारा यह गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह पटरी व्यवसाय हरदम परिवार के तरह रहा है। जब वह सांसद हुआ करते थे सबसे पहला झंडा यहाँ के पटरी व्यवसाय ही लगाते थे, इसलिए हमारा दर्द, पटरी व्यवसायियों का दर्द, गरीब पटरी व्यवसायियों का जो आज स्थिति है उस स्थिति को अवगत कराने के लिए हम लोगों का मुख्यमंत्री से एक प्रतिमंडल मिलाया जाए। हमने कमिश्नर साहब से भी कहा है, कल हम लोग एक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक संबोधित देंगे, भी मुख्यमंत्री से भी हम लोग प्रतिमंडल मिल करके अपनी पीड़ा को बताएंगे। वैसे कमिश्नर साहब ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा जब तक उनकी व्यवस्थित व्यवस्था नहीं की जाती। और GDA के जितने नया सवेरा के नाम पर में जो ये लोग बंदर बाट किए हैं, जो 125 करोड़ रुपया अमर उजाला जैसा प्रतिष्ठित अखबार छापा जिसको मैं प्रमाणित नहीं करता, उसकी नया सवेरा के नाम पे जो पटरी व्यवसायियों को 2 करोड़ रुपया भी नहीं लगा होगा दुकान बनाने के लिए, उसके लिए जो सड़क तोड़ी गई, रेलिंग तोड़ी गई, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका भी माननीय आदरणीय मंडलायुक्त साहब जी ने ये कहा है कि उसकी भी हम लोग जाँच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। और सब पटरी व्यवसायियों के हित में निरंतर सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि पटरी व्यवसाय को किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, किसी को मारा नहीं जाएगा। हम उन लोगों के सार्थक वार्ता हुई है और आज से हम पटरी व्यवसायियों का लगातार निरंतर 3 दिन से विचाटन कर रहे थे, आज से हमारा विचाटन बंद होगा। और अगर पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न नहीं बंद हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की वार्ता नहीं कराई गई और हम लोगों के ऊपर ऐसे ही लाठी डंडा मारता रह गया, तो जिन जिन चौराहे से पटरी व्यवसाय उजाड़े गए हैं, दुकान अगर हमारी नहीं लग पाएगी तो हम वैसे भी भीख मांग रहे हैं, तो वहीं पे कटोरा लेके विचाटन करने का हम लोग काम करेंगे। अगर हमारे पर 1 हफ्ते का हम लोग समय दिए, अगर हम लोगों का उत्पीड़न नहीं बंद हुआ तो हम लोग हर चौराहे पे जहाँ जहाँ दुकान लग रहा है वहीं पे वैसे भी हम लोग भीख मांग रहे हैं, भुखमरी कगार पे वहीं हम विचाटन करेंगे। पुलिस उत्पीड़न, नगर निगम प्रशासन की तानाशाही हम लोग बहुत झेल लिए, अब किसी भी दशा में नहीं झेलेंगे। और आने वाले भविष्य में अगर प्रशासन और शासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा वार्ता नहीं कराया तो हम लोग निरंतर फिर से विचाटन का कार्यक्रम शुरू करेंगे।